हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। किसान जिनके पास जमीन है वो प्रकृति के मार से बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो बटाई खेती करते हैं, दूसरे से पैसे पे वो खेत लेते हैं और उसमें फसल उगाते हैं। ऐसे किसानों का भी अपना दर्द है। हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं जो बटाईदार खेती करते हैं और इनका अपना दर्द है। आइए हम जानते हैं इनसे कि इन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। विजय जी, आप बटाई मतलब खेती ये सब जो आप आपके पास है, इस यही मेरा अपना है। कितना खेत आपके पास है? मेरे पास है जो कि यहाँ पे अभी जो कि 3.25 कट्ठा खेत है, जिसमें अभी बोर चल रहा है, मोटर चल रहा है लाइन से। मात्र 3.25 कट्ठा? हाँ, जिस पे आप बैठे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे यही है। उसके बाद अगल बगल में है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है और बाकी जो कि 4-5 बीघा जो कि खेती हम दूसरे से ले के पैसे पे उसको जो कि हम करते हैं, जिसमें सुखाड़ घोषित होता है तो उसका पैसा हम लोग को मिलता नहीं है। अभी जैसे कि आप कितने खेत लिए हैं इस बार? इस बार है जो कि 4 बीघा खेत ले चुके हैं। 4 बीघा खेत ले चुके हैं। 4 बीघा खेत आप लिए हैं, तो आपको उस 4 बीघा खेत लेने के लिए दूसरे जो जिस किसान से आप खेत लिए हैं उसे कितने पैसे देने पड़े? उसको 12,000 का बीघा देना पड़ता है। मतलब 48,000 रुपया आपने उनको कैश दे दिया है? हाँ, कैश दे दिए हैं। और अभी जैसे कि देख रहे हैं कि आधा से ज़्यादा सावन निकल गया है, जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है और बारिश नहीं हो रही है, और आपके मशीन भी कहते हैं कि हाँ, जो भूमि जल स्तर है जो काफ़ी नीचे चला गया है, जिसे इसे चला करके धान की फसल संभव है उगाना? देखिए, संभव तो नहीं है, लेकिन किसान आर्थिक प्रयास यही करता है कि जो पैसा लगाए हैं वो पैसा है जो कि हमको अगला साल वापस हो जाए, समझे? जैसे बारिश तो होगा तभी धान होगा ना, जो कि उसके बावजूद भी किसान चाहता है कि हम अपना कुछ है जो कि उपकरण से या बिजली से मोटर से जो भी हो बुझा के कट्ठा डंडा वो है जो कि कम से कम खाने के लिए तो वो जो कि होगा ना उपज। ये नहीं होगा कि जैसे हम लिए हैं 4 बीघा खेत लिए हैं तो 4 बीघा में मोटर से पूरा फसल पैदा कर लेंगे। एक लाट में खेत नहीं है कि यहाँ है यहाँ है मेरा है तो एक जगह चालू कर दिए उसके बाद जो कि पट रहा, एक यहाँ है एक वहाँ है, कहीं जो कि 100 फीट की दूरी पर है, वहाँ जो कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग नहीं है, लेकिन जो बटाईदार है वो तो पैसा लेके अपना बैठ जाता है और जो किसान खेती करता है उसको अपना झेलना पड़ता है। ये बताइए कि जब आपने 48,000 रुपये दिए हैं और बारिश नहीं हो रही है, आपके खेत में फसल नहीं होंगे, तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा होगा? मुश्किल वाला क्या, जो भी जो कि साल का जो जमा पूंजी था वो उसको दे चुके हैं और उसके बाद अगर पैदा नहीं होगा तो समझिए कि जो कि ख़त्म पैसा हो गया। और थोड़ी सरकार है जो कि देता है जो कि ये कर रहा है कि जो ऑनलाइन कीजिए जो कि खेती वाला को पैसा मिलेगा, सुखाड़ वाला पैसा मिलेगा, इंची का पैसा मिला, तो बटाईदार हम लोग को बांट के तो पैसा देता नहीं है। वो तो हमसे पैसा लेके आराम से जो कि सोफा लगा के सोया हुआ है और हम लोग धूपा में मर रहे हैं, जो कि कभी बोरिंग के नीचे जाते हैं, कभी खेत में जाते हैं, कभी लाइन छूटता है तो लाइन बनाने जाते हैं, अपना दिन भर यही करते रहते हैं हम लोग, और इससे तो कोई फायदा है नहीं हम लोग को। तो सरकार जिसका खेत है उस पर नहीं, जो कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो हम मेरे समस्या से जो कि ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन सरकार के सामने समस्या ये होगी कि जिसके पास खेत का ज़मीन है, रसीद है, तो फिर इस तरह के आप जैसे जो किसान हैं जिनके पास खेत नहीं है, तो उसको कैसे चिन्हित करें कि मतलब वो बटाईदार किसान है? उसको चिन्हित करने का कोई आपको लगता है कि साधन है ऐसा? हाँ, साधन है। वो ये कि जैसे ये कि आदमी का सर्वे होता है उस तरह से, जब अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसी तरह से जो कि एक जगह बैठ के आप इंटरव्यू लीजिए, जो भी बटाईदार होगा आपकी आवाज़ सुन के आपके पास आ जाएगा कि भाई मेरे पास भी बटाईदार, हम भी हैं, हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इस तरह से कीजिएगा और थोड़े घर घर जाके कीजिएगा तो ऐसा संभव नहीं ना है कि घर घर जाके करेंगे कि किसका बटैया है, किसका चौरा है।
ये बताइए कि आपके जब आपने 4 बीघा खेत लिया है उसके 48,000 रुपये आपने दे चुके हैं, अभी धान का फसल नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, आगे क्या हुआ, आपकी योजना आगे क्या है? आगे क्या योजना रहेगा, फिर जो अगला फसल रबी फसल होगा, पानी थोड़ा ऊपर लेवल आएगा तो उसको पटा के फिर लगाएंगे, वही है जो कि जिसमें आधा मुनाफा होगा और आधा है जो कि खत्म होगा, नहीं तो और नहीं वो भी पैदा अगर नहीं हुआ तो समझिए कि वो भी खत्म हो गया, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं उन किसानों का दर्द जो बटाई लेकर के खेती करते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता है उन किसानों से ज़मीन लेकर के पैसे पर नगद पैसे देकर के ये ज़मीन लेते हैं, खेती करते हैं, और खेती अगर बारिश नहीं हुई, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, मौसम ने साथ नहीं दिया, तो इनकी ज़िंदगी पहले से भी और ज़्यादा नरक हो जाती है। जहाँ तक सरकारी जो सरकार वादे करती है, दावे करती है कि हम किसानों को मदद करेंगे, सूखा हो या बाढ़ हो उसमें जो मदद मिलता है, वो मदद इन जैसे किसानों को नहीं मिल पाता, क्योंकि इनके पास खेत का ना तो कोई कागज़ होता है ना कोई रसीद। ऐसे में जो भी सरकार से आर्थिक मदद जो मिलती है वो किसी और किसान को मिल जाता है, और इनके जैसे किसान मुंह ताकते रह जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हर रोज़ ये बारिश की आस में अपने खेतों में बैठे रहते हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।